और इसी के साथ रुक कर लेते हैं अब खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण को बचाने के लिए नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीएम शिवराज ने बुधवार को भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीता अशोक का पौधा लगाया। इसी मौके पर सीएम ने जनता से अपील की है कि जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या फिर माता पिता की स्मृति में पौधा लगाएं। सीएम ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबको साथ आना होगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप पर सीएम ने कहा, जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है, लगातार क्राइसिस ग्रुप की बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं तो रोज एक पेड़ लगाऊंगी, लेकिन पर्यावरण बचेगा तब जब मध्य प्रदेश की जनता भी संकल्प ले कि साल में एक पेड़ कम से कम लगाएंगे। और मैं रोज अपील कर रहा हूं कि जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, बच्चों के जन्मदिन पर या माताजी पिताजी की स्मृति में अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम पेड़ लगा के धरती को बचाने की पहल कर सकते हैं। हम चिंतित हैं, आज भी प्रदेश में 340 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में, भोपाल में और महाराष्ट्र की सीमा में जो लगे जिले हैं वहाँ पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं। हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपने अपने स्थानों पर फैसला कर रहा है। शाम को 5 बजे फिर मैं समीक्षा कर रहा हूँ। हर हालत में प्रदेश को कोरोना से बचाना है, संक्रमण से बचाना है, और इसलिए जनता को भी मैं रोज आह्वान कर रहा हूँ कि आवश्यक सावधानी रखें, मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम लॉकडाउन की तरफ मध्य प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते क्योंकि उससे गरीबों की रोजी रोटी भी जाती है। वैसी परिस्थितियां न बने इसलिए हम सावधान।